हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी टाइम है सुबह का और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और नाश्ता वगैरह अभी मैंने नहीं बनाया है। तो पहले मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी क्योंकि आज मुझे जाना है निहाल के स्कूल में, और निहाल के पापा भी ड्यूटी से नहीं आए हैं, वो रात गए थे 10 बजे। तो घर से आते ही ये काम तो स्टार्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि खुला मकान है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची अगर स्कूल में चली गई तो वहाँ पे टाइम लगेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह पहले झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी आराम से। नहीं तो फिर आज भी मकान गंदा ही पड़ा रहेगा, और गंदा मकान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कल भी इतना गंदा हो रखा था। झाड़ू वगैरह तो कल लगा दी थी, लेकिन पोछा वगैरह तो मैं आज ही लगाऊंगी, क्योंकि सफ़र से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, और घर से आने के बाद कुछ तो वैसे ही थक जाते हैं, कुछ मन भी नहीं लगता है, और कुछ यहाँ के देखो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये काम मैंने स्टार्ट कर दिया है तो ख़त्म भी हो जाएगा। स्टार्ट होता है तो ख़त्म भी जब भी होता है, अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी देर में मेरा पोछा लग के हो जाएगा रेडी, और फिर मैं चलूँगी नादों के निहाल के स्कूल में। उससे पहले करूँगी नाश्ता और तभी स्कूल में हम जाएंगे। गाइस, अभी टाइम हो गया है, बज गए हैं सुबह के 8, ये देखिए। और पूजा मैंने कर दी है नहा धो के, झाड़ू पोछा करके, और नाश्ता बना दिया है बच्चों का। बच्चों का नहीं, यहाँ तो आधी है नहीं, निहाली है। तो मेरी रात की खिचड़ी रखी हुई थी तो ये मैंने कर दिया गर्म, चाय बना दी है। निहाल जाएगा आज स्कूल, तैयार हो रहा है ये भी, ये देखिए, क्योंकि इसके स्कूल में है आज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एनुअल। एनुअल एनुअल फंक्शन। रिजल्ट मिलेगा इसका, मैं भी जाऊंगी। वैसे ना तो ली हूँ, लेकिन मैं रेडी बाद में होंगी, मैं इससे थोड़ी देर बाद जाऊंगी। वो 8:30 बजे जाएगा और मैं जाऊंगी 9 बजे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा निहाल के स्कूल में कैसा फंक्शन होता है। वैसे तो फंक्शन निहाल को भी करना था, लेकिन हम गाँव चले गए थे इसलिए रिहर्सल में नहीं जा पाया, तो इसका नाम हो गया है कैंसिल। तो गाइस, हम कर लें हम नाश्ता, उसके बाद चलेंगे स्कूल में निहाल के, और आपको भी ले चलेंगे। बने रहिएगा और फुल इंजॉय कीजिएगा। गाइस, अभी बज गए हैं 9:30 सुबह के, निहाल तो 8:30 बजे चला गया था, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो मैं भी चल रही हूँ। और पता नहीं बीपी लो सा हो रहा है, मेरा आँखें मिच सी रही हैं। तो मैं भी स्कूल में चलूँगी और आपको दिखाऊँगी वहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम होता है निहाल के स्कूल में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो बस चलने ही वाली हूँ मैं, अंजलि आएगी ऊपर से, उसके भाई को भी प्राइज़ मिलेगा आज, तो दोनों जा रहे हैं हम साथ में। तो चलिए, आपको भी ले चलते हैं अपने बच्चों के स्कूल में, कि हमारे बच्चों के स्कूल में किस तरह का प्रोग्राम होता है। तो प्लीज़ फुल इंजॉय कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड, हम स्कूल में पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सभी बच्चे भी आ गए हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी आ चुके हैं, लेकिन हम भी ठीक टाइम पे आए हैं। अगर थोड़ी देर और हम लेट हो जाते तो हमें यहाँ पे सीट भी नहीं मिलती बैठने के लिए, और प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाला है, तो फुल इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए, बच्चे डांस कर रहे हैं, जलवा तेरा जलवा जलवा, देखिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है। लेकिन गाने का साउंड मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो उससे ना प्रॉब्लम होती है चैनल को, तो वैसे भी चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर चैनल मतलब ग्रोथ कम हो जाती है, घट जाती है। तो आप इसी तरह इंजॉय करते रहिए, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है स्कूल में, तो फुल इंजॉय कीजिएगा और पूरा प्रोग्राम देखिएगा, आज बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो निहाल हमारा पहले ही आ गया था और आधी है गाँव में, तो देखते हैं उसका जो भी होगा, कौन सी पोजीशन आएगी बच्चों की, वो भी बताएंगे आपको। तो फिलहाल आप इंजॉय कीजिएगा। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी और ये देखिए भीड़ काफ़ी है, तो हम सामने ही बैठ गए थे, तो यानी कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, इस वजह से सीट हमें बहुत अच्छी मिल गई थी। वीडियो वगैरह हम यहाँ से आराम से शूट कर लेंगे, तो टाइम से आने का यही फ़ायदा होता है।
नेक्स्ट थर्ड पोजिशन कलिका श्री कुलदीप कुमार जल्दी आए। थर्ड पोजिशन अभी सिर्फ आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एट क्लास वंश श्री पवन जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखो ये बच्चा अच्छा पढ़ भी रहा है और प्रोग्राम भी में शामिल है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। ताली से स्वागत किया जाए। फर्स्ट पोजिशन बेस्ट कवि श्री सतीश कुमार। सेकेंड पोजिशन जगमोहन श्री लोकेश कुमार। सेकेंड पोजिशन उदित कुमार श्री सौजवीर जोरदार ताली बजाएं। अब थर्ड पोजिशन एट क्लास आकांक्षा श्री विनोद कुमार। एट क्लास नेक्स्ट I'm not afraid to die.
गाइस हम स्कूल से आ गए बच्चों के, बच्चों को मिले हैं ये वाले गिफ्ट, निहाल का गिफ्ट और ये आदि का गिफ्ट। कप देगा भका दिया बच्चों को, और आदि आया है फर्स्ट, निहाल आया है सेकंड, लेकिन आदि यहाँ है नहीं, आदि रह गया गांव में। मेरे पीछे बैठा था तो आदि का ना गिफ्ट नहीं दे रहे थे स्कूल वाले, मैंने बोला जब वो फर्स्ट आया तो उसका गिफ्ट दो। अरे क्या कर रहा है, बोलना देना। तो मैं कहने लगी जब वो फर्स्ट आया तो गिफ्ट दे, कहने लगे हम तो बच्चों को ही देते हैं। मैं कहा बच्चा तो गांव में है, भाई गिफ्ट तो उसका देना पड़ेगा। लंडा फर्स्ट पोजीशन पाया क्लास में, सबसे पहला नंबर उसका ही था आदि का। चारों को कप मिला है लंडे को हमारे, और ये वाला कप आदि का ही है, नहीं ये तो निहाल का है, ये स्माइली कप है निहाल का, और आदि का कप मिला है। आदि का भी कप दिखा दूं, ये है आदि का कप, ये देखिए छोटी वाला रात के गए हुए 4 बजे आएंगे आज, और अभी टाइम हो गया है 2:30 बजे, 2:30 बज चुके हैं। तो अब क्या बनाती मैं, सुबह हम 9:30 बजे के गए हुए, अभी आए हैं। यहाँ चल रही है समोसा पार्टी, ये देखिए दोनों मने पड़े हैं समोसे में। जब मैं गिफ्ट मिल रहा था आप नहीं दे रहा, वही थी मैं सुबह ही आ रही। तो शर्मा ने सही फुर्सत ना थी, जैसे तुझे वो छत्ता हो, इतनी शर्म लगा है, पता नहीं अपना गिफ्ट लेने में भी ना शर्मा रहता है पूरा। मैं क्या कर रहा था, गिफ्ट लिया नहीं मैंने, लिया था ऐसा हो रहा था जिन्हें नर्वस था जिन्हें तुझे कोई खा जाएगा, ठीक है। बहुत शर्मिला बच्चा है। तो गाइस बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, क्योंकि स्कूल का प्रोग्राम बहुत अच्छा अच्छा है, सब देखेगा। तो इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।